Namaste. I am Bhavya Pandey, an intern of Western Zone Culture Center, collaboration with Shub Groups of Welfare Society. We are happy to present artists from various fields to showcase their talents. Shub Groups Welfare Society is a non-profit organization which helps people in terms of art, health, education, etc. Saurabh Sharma is a Delhi-based magician trained in Hindustani classical music with a multidimensional talent of composing, writing, lyrics and playing multi-instruments. He is currently promoting Sufi music and folk music through his unique way of singing kalam along with narrating stories of Sufi saints like Baba Bulleh Shah and folk stories of Heer Ranja, Sohni Mahiwal. He also works with an electric Sufi band named Sound Valley Project. Now please let's start the performance. Namaskar, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं डेली बेस्ड एक म्यूजिशियन हूँ. 2007 में मैंने अपनी म्यूजिक की जर्नी स्टार्ट की जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज PGDAV कॉलेज ज्वाइन किया. 3 साल मैंने कॉलेज में वेस्टर्न सिंगिंग की एंड वहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर मैं 2 साल था. काफ़ी स्टेट परफॉर्मेंसेस की और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए अक्रॉस यूनिवर्सिटी. आफ्टर दैट इन 2011 मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने लगा और मैंने श्रीमती दीपा सिन्हा से अपनी हिंदुस्तानी क्लासिकल की तालीम ली. मेरी गुरु दुमराव घराने से है जो बिहार का बहुत प्रोमिनेंट घराना है. 2018 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदुस्तानी वोकल में ख़त्म की. उस दौरान मैं गिटार और कीबोर्ड सिखाता था. 2019 तक एक्चुअली कोविड तक मैंने अपने गुरु से तालीम ली और कोविड के बाद क्लासेस भी बंद हुई और शोज़ भी बंद हो गए. ऑल्दो इस पूरी जर्नी में मैंने काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी परफॉर्म किया है जैसे कि IIT दिल्ली. मैं 3 बार IIT दिल्ली में परफॉर्म किया है मैंने. उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, NCR मैंने काफ़ी परफॉर्म किया है इस पूरे पूरे टाइम फ्रेम में. 2017 में मैंने सूफी गायकी को अपनाया और बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, फरीद इनको गाना शुरू किया. ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने सूफिज़म के बारे में पढ़ा, बाबा बुल्ले शाह की स्टोरीज़, उनके कलाम पढ़े और वहाँ से मुझे इस गायकी, इस प्रकार की गायकी की थोड़ी समझ हुई. फिर काफ़ी लिटरेचर फेस्टिवल्स जैसे दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल था, उसमें 3 साल मैंने परफॉर्मेंसेस की और मैंने काफ़ी सूफी गाया, बाबा बुल्ले शाह गाया मैंने. तो आज भी मैं उसी रिवायत को अलाइव रखता हूँ. मैं घर घर जाकर बैठकें करता हूँ, ऑल्दो अभी कोविड टाइम्स में ये पॉसिबल नहीं है. तो मैंने काफ़ी सूफी बैठकें की, लोगों को उसके बारे में, उस पुराने कल्चर के बारे में बताया कैसे सूफी लोग जगह जगह जाते थे, एक तारे पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाते थे और क्या गाते थे. आज मैं इसी सूफी गायकी और सूफिज़म के साथ आगे बढ़ के आपको कुछ सुनाना चाहूँगा. ये बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है. आवो नी सही रल देओ नी बधाई, मैं वर पाया सोना माली. बुल्ले शाह 17वीं सदी के काफी बड़े पोएट थे, बहुत विजनरी इंसान थे और सूफी जितने
हुए हैं वो विजनरी रहे हैं, कबीर दास, बाबा बुल्ले शाह, जितने भी सूफी सेंट रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यार की बातें, पीस की बातें बताई हैं। यहाँ बाबा बुल्ले शाह हीर के माध्यम से रांझे के बारे में अपना प्यार जाहिर करते हुए गाते हैं। किस गिनती विच आवां तख्त हजार दा मालिक उनी मैं हीर सयाल सदावां इक बारी जे आखे राजा मैं चाक दी चाक बन जावा बाबा बुल्ले शाह उन्होंने लिखा है कि राजा चाक ना आखो कुड़ियो नी मैं चाक कहंदी शर्मावा। चाक मीन्स शेफर्ड। रांझे ने, सब जानते हैं कि रांझे ने हीर के प्यार में 12 साल मझ चराई थी हीर के घर पे। उनके पिताजी की जो मझ थी, जो उनकी
केटल्स थी उनको चराने जाता था। हीर उस वक्त को याद करते हुए कि मेरा राजा जो है वो अपनी सहेलियों को, अपने सबसे करीबी को बता रहे हैं कि मैं वर पाया सोना माही राजा माही, कि देखो वो कितना सुंदर है, तुम उसे शेफर्ड नहीं बोलो, उसको चाक मत बोलो, उसको ऐसे मत बोलो कि वो सिर्फ एक मज चराने वाला इंसान है, वो बहुत बड़ा है, वो मेरा राजा है, वो मेरा प्यार है। और हीर अपना अपना प्यार, अपना उत्साह वो जताते हुए कहती है, आओ नी सहियो रल देओ नी वधाई, मैं वर पाया राजा माही। और अपने खुशी को वो जाहिर करते हुए सबको कहती है कि मैंने ये वर पाया है, इतना सोना इतना प्यारा राजा। बुल्ले शाह एक ऐसे, सिर्फ एक ऐसे कवि, ऐसे सूफी नहीं थे जिन्होंने हीर राँझा के बारे में लिखा, वारिस शाह ने भी लिखा है। और हीर राँझा को मोहब्बत का एक प्रतीक, प्यार का एक प्रतीक मानते हुए बहुत सारे सूफी सेंट्स, बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है। मैं अपनी सूफी बैठक में लोगों को बुल्ले शाह की पूरी जीवनी सुनाता हूँ, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उनकी जर्नी में उनके गुरु से उनकी मुलाकात कहाँ हुई, वो कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में पैदा हुए, उन्होंने कब क्या लिखा, उसका एक संक्षेप वर्णन करता हूँ और उनकी लिखी कही बातों को आवाम में फैलाता हूँ ताकि प्यार फैले, पीस फैले। एक और उनका कलाम है बड़ा प्यारा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा सुनाता हूँ मैं। पढ़ पढ़ इल्म ते फाजल हो के मन अपने आप नु पढ़िया नाए, अज गज वरने मंदर मसीती के मन अपने बिच बढ़िया नाए, लड़नो रो शैतान दनाल नफ्स अपने आप नू लड़िया नाए, बुल्ले शाह आसमानी उड़ दिया फड़ो नहीं, तो जड़ा घर बैठा उनु फड़े आए नहीं, बस करी ओ यार लमो, बस करी ओ यार, बस करी में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, पढ़ पढ़ इल्म के फाजल हो यो कि मन अपने आप नु पढ़या नाए, इल्म का ज्ञान पढ़ के तुम फाजल हो गए, अपने मन को तो पढ़ा ही नहीं।
अज गजवर ने मंदर मसीती कदी मन अपने विच बढ़िया नहीं। मंदिर मस्जिद में जा जाके घुस जाते हो, लेकिन अपने मन के अंदर तो कभी हमने घुस के देखा नहीं, बढ़ के नहीं देखा। लड़ना शैतान दनाल नफ्स अपने आप नू लड़या नहीं। रोज शैतान के साथ लड़ते हो, लेकिन अपने नफ्स के साथ, अपने अंदर की बुराइयों के साथ नहीं लड़े हो कभी भी। बुल्ले शाह आसमानी उठ दिया फड़ो नहीं, जेड़ा घर बैठा उन्हें पड़िया। बुल्ले शाह कहते हैं कि आसमानी उड़ दिया फड़ो नहीं, आसमानी बातों को मत पकड़ो, आसमान में उड़ती चीजों को मत पकड़ो, जो अपने घर में बैठा है उसको तो पहले पकड़ो, जो तुम्हारे अंदर जो गलत चीजें हैं पहले उनको पकड़ो, उनको ठीक करो। इन थॉट्स के साथ, इन चीजों के साथ पिछले 4-5 साल से मैं रहा हूँ। इन अच्छी बातों को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ, और हर शो से, हर एक अपनी वीडियो से, हर एक अपने किसी भी प्रोग्राम से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लोगों में पीस और कल्चर को जितना हो सके मैं फैलाऊँ। सूफिज़्म हमारे पंजाब का एक बहुत बड़ा कल्चर है, और मैं इस थॉट को, इस चीज़ को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। आगे मैं कुछ वीडियोस अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस की इस वीडियो क्लिप के आगे अटैच करता हूँ, ताकि आप लोग देख पाए कि पास्ट में मैंने क्या क्या परफॉर्मेंसेस की हैं। तेरा याद है भूला तो
Thank you and have a nice day. I hope everyone liked your performance.